नमस्ते, कई लोग पूछते हैं कि YouTube पर इतने सारे बॉडी बिल्डर हैं, इतने सारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं जो कि फिटनेस की जानकारी देते हैं, उनकी बॉडी देखी वो कितने भारी भारी वजन उठाते हैं। लेकिन यार ये लोग तो हस्त मैथुन बराबर करते हैं, सेक्स बराबर करते हैं या वीरनाश बराबर करते हैं, लेकिन इनकी बॉडी इतनी फिट क्यों है? आप तो बोलते हैं कि वीरनाश करने से तो बॉडी अनफिट होती है, शरीर अस्वस्थ होता है, लेकिन यार ये चीज इन लोगों पर लागू क्यों नहीं होती? ये लोग तो इतने बलवान हैं, आपने इनका शरीर नहीं देखा। तो इसी पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप समझते क्या है, मतलब आप बलवान शरीर को समझते क्या है, आप एक स्वस्थ शरीर को समझते क्या है? यानी कि अगर व्यक्ति के सिक्स पैक एब्स हैं तो वो फिट है, अगर व्यक्ति 100-200 किलो के वजन को उठाकर खड्डक बैठक लगा रहा है तो वो फिट है। और ये सब चीजें मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो कहानी बहुत पलट जाएगी। अगर मेरे हिसाब से देखे तो मैं 100-200 किलो के वजन को उठाना सिर्फ ताकत नहीं समझता, ताकत है तभी उठाया है, लेकिन इसके साथ उसकी प्रैक्टिस भी है। ये रही पहली बात। अब मैं बल और ताकत समझता किसको हूँ? मैं बल और ताकत उसी को समझता हूँ कि अगर उसकी प्रैक्टिस भी ना हो और वो व्यक्ति वो काम कर ले। यानी कि अगर व्यक्ति की 100 या 200 किलो वजन उठाने की प्रैक्टिस ना हो और उसके बाद भी वो 100-200 किलो का वजन उठा ले, इसको मैं समझता हूँ बल। और इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। जैसे कि एक बार की कहानी है, आपने सुनी होगी कि बाजार में दो सांड आपस में लड़ रहे थे और उन दो सांड की लड़ाई के कारण बाजार तहस नहस हो गया था और दोनों के दोनों सांड संभल रहे थे। तो ऐसे में स्वामी दयानंद ने अपने बल का पराक्रम दिखाया और अपने एक हाथ से एक सांड की सींग को और अपने दूसरे हाथ से दूसरी सांड की सींग को, दोनों सांड की एक एक सींग अपने दोनों हाथ से पकड़ी और उन्हें घुमाकर एक तरफ कर दिया, तब जाकर बाजार की स्थिति संभली। और इसी प्रकार से स्वामी दयानंद के कई ऐसे बल के पराक्रम हैं जो कि हमें बहुत सारी किताबों में पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए पहली बात कि अगर बिना किसी प्रैक्टिस के वो चीज करने में वो व्यक्ति समर्थ है, वो बलवान व्यक्ति समर्थ है, तो आप समझ लीजिए कि वही व्यक्ति बलवान है। इस बात को हाँ मैं मान रहा हूँ कि ये 200 किलो वजन उठा लेते हैं, इनमें ताकत है, लेकिन इसके साथ उनकी कई महीनों की प्रैक्टिस भी है। अगर किसी एक बॉडी बिल्डर को, तो इनमें से एक बॉडी बिल्डर को किसी एक सांड से लड़ा दें, तो आपको पता है क्या होने वाला है। और प्रोफेसर राम मूर्ति के बारे में तो आपने सुना होगा, उनका तो कहना ही क्या। इसलिए शरीर के बल की परिभाषा वजन उठाने से नहीं होती, बल्कि असली बल वही होता है जो कि समाज सेवा के लिए काम आ रहा है। दूसरी बात, यार ये भी तो हस्त मैथुन करते हैं, ये भी तो सेक्स करने की सलाह देते हैं, ये भी तो सेक्स करते हैं, लेकिन फिर भी इनका शरीर बलवान रहता है, फिर भी तो ये देखने में कितने फिट लगते हैं। तो इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी कभी होता क्या है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। यानी कि बॉडी फिट दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर अंदर से भी फिट है, हो सकता है कि अंदर से भी खोखला हो। और कभी कभी होता क्या है कि बॉडी इतनी मस्कुलर दिखती नहीं लेकिन फिर भी अंदर से शरीर बलवान होता है। आपने मॉडर्न एग्जांपल बाबा रामदेव को ही देखा होगा कि वो दिन भर कितने एनर्जेटिक रहते हैं, सारा दिन कितने चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं और सबसे मेन बात कि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और यही आयुर्वेद में कहा गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर की पहचान कैसे करें, पहचान ऐसे करें कि उसकी धातुएं सम है, यानी कि वात पित्त और कफ सम है, बैलेंस में है, उसको टाइम टू टाइम बराबर भूख लग रही है, मल मूत्र स्वाभाविक तरीके से अपने रास्ते से निकल रहे हैं, और इनके साथ साथ अगर व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है तो वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।